निकाली जाएगी, ठीक है ना। और इसी तरह से अगर डिवाइड एंड कॉन्कर हो तो कैसे निकाली जाएगी। तो इस तरह के डिफरेंट एल्गोरिथम थे जिसके बारे में हमने कहा था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कैलकुलेट करते हैं या रनिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं। और ये एक अपना बेसिकली इसका एक मेथड होता है। और हम अभी क्योंकि मेजरली क्या कहते हैं डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम नहीं पढ़ रहे, लेकिन फिर भी हमें ये सारी चीजें आनी चाहिए इस स्टेज पे भी। तो जो हमारा मोटिव है जिसमें हमने कहा था कि पहले हम बेसिकली इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे किसी भी डेटा स्ट्रक्चर का, उसके बाद फिर हम डेटा स्ट्रक्चर के इंट्रोडक्शन के बाद उसकी मेमोरी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हमने कहा था कि तीसरे स्टेज पे मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के बाद अगला जो है वो हमारे पास है ऑपरेशन या एप्लीकेशन जो है वो डिस्कस करेंगे, और फिर फोर्थ स्टेप पे था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर हमने अगर देखा जाए, इसके बारे में बता रहा हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अगर देखा जाए तो हमने इसमें बताया कि रनिंग टोटल रनिंग टाइम क्या होता है, मैंने आपको बताया कि रनिंग टाइम क्या होता है। ये दोनों बेसिकली बुक में तो अलग अलग नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको ये बात बताई कि रनिंग टाइम जो है वो क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया कि इन दोनों के बेसिस पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सी में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। यानी ये फैमिली कहलाती है, किस फैमिली से ये बिलोंग करता है। लास्ट क्लास में इसके लिए हमने एक एल्गोरिथम डिस्कस किया था, उसने हमें ये सारी बातें जो है डिस्कस करके बताई थी कि क्या ये बेसिकली क्या चीजें हैं। अगर आपको याद हो, आप रिवाइज कर रहे हैं, आपने रिवाइज करके आए हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि मिसाल के तौर पर एक एल्गोरिथम अगर मैं लिखता हूँ लाइन नंबर, अच्छा आप लोगों ने जो क्विज दिया था उसमें लाइन नंबर वगैरह डालने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा सीरियस लेके करो उसको। अगर मैं कहता हूं कि काउंट विच इज इक्वल टू जीरो, लाइन नंबर टू में अगर हम लिखते हैं कि फॉर आई इज इक्वल टू वन टू एन, और तीसरे स्टेप में लिखते हैं कि फॉर जे इज इक्वल टू वन टू एन, चौथे स्टेप में लिखते हैं बगैर किसी क्या नाम है केसेस के जनरल लिख लेते हैं यहाँ पे कि काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन, फोर्थ फिफ्थ स्टेप में लिखते हैं मिसाल के तौर पे एंड फॉर जे, ये सब भी आपने लिखने की जरूरत नहीं की इतनी अच्छी तरीके से, हालांकि कोई टेक होम था एंड फॉर आई, ठीक है। अगर ये कोई एल्गोरिथम दिया, इसमें समझने की बात ये है क्योंकि अभी थोड़ा सा इसके मुकाबले में डिफिकल्ट एल्गोरिथम डिस्कस करूंगा मैं, ताकि आप जो है वो जी मैं आगे मैसेज उसका बता। तो समझने की बात यहाँ पे ये है कि अगर इस एल्गोरिथम को मैं एनालाइज करता हूँ तो हमें यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि ये एल्गोरिथम एनालाइज होने के बाद क्या इसका रनिंग टाइम होगा, क्या इसका टोटल रनिंग टाइम होगा, क्या इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो अगर मैं टोटल रनिंग टाइम डिस्कस करूं, जो कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एक लाइन को एनालाइज करना होता है, तो कहेंगे कि ये लाइन जो है वो पूरे एल्गोरिथम में एक दफा चलेगी, ये लाइन पूरे एल्गोरिथम में एन प्लस वन टाइम चलेगी, ये लाइन पूरे एल्गोरिथम में एन एन प्लस वन चलेगी। एन एन प्लस वन इसलिए कि एन प्लस वन तो अपना चलेगा और एन जो है दोनों की चलने की तादाद सेम है, ठीक है ना। ये लाइन जो है वो भी एन इंटू एन चलेगी, ठीक हो गया, क्योंकि जितनी दफा ये रन होगा वो बेसिकली इसके हर एक के लिए ये एक दफा चलेगा, ये बता चुका हूं मैं। जब इसका रनिंग टाइम निकालेंगे यानी टोटल रनिंग टाइम टी एन, तो विच इज इक्वल टू वन प्लस, सबको ऐड कर लेंगे हर लाइन कितनी दफा चल रही है नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन के बेसिस पे, एन प्लस वन एन प्लस
एन एन प्लस वन, ठीक है, एन प्लस एन स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो टी एन इज इक्वल टू, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, वन प्लस, ठीक है, और ये जाएगा एन 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 प्लस वन प्लस एन स्क्वायर प्लस एन, ये मल्टीप्लाई कर दिया एन से, एन प्लस एन स्क्वायर, और फाइनली रिजल्ट हमारे पास आएगा टी ऑफ एन विच इज इक्वल टू एक एन स्क्वायर, दो एन स्क्वायर, एन स्क्वायर और प्लस टू एन प्लस टू, ठीक है ना। ये तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, इसको कहते हैं, क्योंकि एक एक लाइन एनालाइज किया तो हम कहेंगे इसको टोटल टाइम। जब हम इसको कहते हैं कि इसकी फैमिली बताओ कि किस फैमिली से बिलोंग करता है, यानी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में हम कहते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी इसमें जो इक्वेशन बनी है इस एल्गोरिथम की, इसकी जो हायर पावर है, इसकी जो सबसे बड़ी पावर है वो एन स्क्वायर है, तो ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, यानी ये वर्स्ट केस अगर इसका कभी देखा जाए तो उसमें भी ये एन स्क्वायर से बुरा नहीं होगा, इसकी फैमिली जो है वो एन स्क्वायर कैटेगरी की है, ठीक है, एन स्क्वायर। तो ये तो हमने टोटल रनिंग टाइम के बेसिस पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी। अगर इसी सवाल को हम बेसिकली अगर सॉल्व करें और हम कहें कि सिर्फ और सिर्फ हमें इसमें रनिंग टाइम निकालना है, तो हम इसकी लाइन बाय लाइन नहीं जाएंगे, हम कहेंगे इस लाइन के अंदर इस अलगाव में इम्पोर्टेंट बात कौन सी है, तो कहेंगे इस अलगाव में इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये लिखी हुई है, जिसकी वजह से अलगाव लिखा हुआ है कि हम ये चाहते हैं कि काउंटिंग कर लें। तो अब अगर इसमें हम रनिंग टाइम की बात करें, तो रनिंग टाइम इसका क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका रनिंग टाइम बेसिकली देखा जाए तो अब हम ना तो इस लाइन को डिस्कस करेंगे ना इस लाइन को, सिर्फ इस लाइन को डिस्कस करेंगे, तो ये लाइन कितनी दफा चल रही है, तो कहेंगे रनिंग टाइम अगर हम इसका निकालें तो टी एन की वैल्यू जो है वो बराबर हो जाएगी एन इन टू एन, रनिंग टाइम निकाल रहे हैं तो सिर्फ बेसिक ऑपरेशन, रनिंग टाइम है तो बेसिक ऑपरेशन चलेगा एन स्क्वायर टाइम्स, तो ये बेसिकली हमारे पास बेसिक ऑपरेशन के हिसाब से कैलकुलेशन आ जाएगा, आसान होता है बेसिक ऑपरेशन। और ये जो येलो में है सारा कैलकुलेशन किया है, ये जो आंसर आ रहा था एन स्क्वायर टू एन प्लस टू, ये आ रहा था रनिंग टाइम, टोटल रनिंग टाइम के हिसाब से। इसके लिए भी अगर हम फैमिली डिस्कस करें कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी एन स्क्वायर ही रहेगी। तो चाहे हम बेसिक ऑपरेशन से करें, चाहे हम टोटल रनिंग टाइम से करें, कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बेसिकली सेम रहती है। जाहिर है बेसिक ऑपरेशन से करते हैं तो इंस्ट्रक्शन जो है वो कम हो जाती है, तो वो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर बची यहाँ पे, और यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस टू, इसमें इंस्ट्रक्शन ज्यादा आ रही है, इसमें इंस्ट्रक्शन कम आ रही है, लेकिन कम जो इसकी फैमिली है वो सेम है। बताने का मकसद ये है कि ये दोनों बेसिकली सेम रनिंग टाइम की तरफ अप्रोच करता है, लेकिन नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन के हिसाब से दोनों चेंज है। अब अगर आपसे कोई कहता है कि इस एल्गोरिथम में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है, यानी एल्गोरिथम थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, और अब आप सॉल्व करें ये दोनों चीजें, तो फिर कैसे करेंगे, क्योंकि ये बबल सॉल्ट में होने जा रहा है, तो हम उसको यहाँ पे उससे पहले ही देख लें, सही ना, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ और फिर एक दफा और एक चीज लिखता हूँ। तो कहता ये है कि होने ये जा रहा है कि मिसाल के तौर पर लाइन नंबर वन में लिखा हुआ है काउंट इज इक्वल टू जीरो, लाइन नंबर टू में लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे फॉर आई इज इक्वल टू वन टू एन, ठीक है ना, लाइन नंबर थ्री में लिखा हुआ है मिसाल के तौर फॉर, अब देखें यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, आई प्लस वन, ठीक है, आई प्लस वन सॉरी जे इज इक्वल टू आई प्लस वन, ठीक है ना, जे इज इक्वल टू, बल्कि आई प्लस वन की भी क्या जरूरत है, जे इज इक्वल टू आई और टू आई टू, बल्कि इसको लिखो वन टू आई, ठीक, और यहाँ पे फोर स्टेप में लिख दो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन
और उसके बाद यहाँ पर फिफ्थ स्टेप में लिख दो एंड जे एंड फॉर जे, उसके बाद अगले स्टेप में लिख लो सिक्स स्टेप में एंड फॉर, ठीक है। अच्छा इसको भी हम थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, इसको ऐसे लिख लो जैसे भी मैंने कहा था कि आई, और इस तरह से कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है, आई प्लस वन से शुरू हो रहा है और आई प्लस वन से शुरू होके एन माइनस टू तक जा रहा है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर रहा हूं मैं ताकि हमें समझ आए क्या। अच्छा जी ये तो हमारा लूप है, यानी आई प्लस वन से शुरू हो रहा है, यानी अगर आई पहले वन से शुरू होगा तो जे जो है वो टू से शुरू होगा, और आई अगर थ्री से शुरू होगा तो जे फोर से शुरू होगा, अगर आई एन पे खत्म हो रहा है तो जे एन माइनस टू पे खत्म हो रहा है, ठीक है। ये तो हमारा एल्गोरिथम है, ये एल्गो जब चलेगा तो अब हमारे पास इशू ये है कि मैं कहूँ कि इसका जो है आप इस वक्त कैलकुलेट कर लें टोटल रनिंग टाइम, जब हम इसका टोटल रनिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो बेसिकली होगा क्या, जैसे हम पहले करते रहे तो फंसेंगे कहाँ, ये देखना है, ये इसको चलाएंगे तो ये एक दफा चलेगा, इसको चलाएंगे तो कोई इशू नहीं है, ये चलेगा एन प्लस वन टाइम्स, जो मसला हमारे पास आएगा वो इसमें आएगा, जब इसको चलाएंगे तो ये कितनी दफा रन होगा। पहले तो हम लिखते थे आसानी के लिए कि फॉर, ठीक है, पहले हम लिख देते थे यहाँ पे इसको कि फॉर, इससे पहले जो एल्गो लिखा हुआ था वो थोड़ा आसान था, फॉर आई इज इक्वल टू जे था, जे इज इक्वल टू वन टू एन, यानी वो वन से शुरू होकर एन तक ही खत्म हो रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अच्छा इसमें आसानी ये थी कि हर हर आई की पहली वैल्यू के लिए ये टोटल एन दफा ही चल रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये अब आई की एक वैल्यू के लिए ये चलेगा एक कम चलेगा, यानी एन प्लस वन से चलेगा, तो इसका मतलब है कि ये टू से चलेगा एन माइनस टू तक, और जब ये टू हो जाएगा तो ये थ्री से चलेगा। तो अब हमारे लिए कन्फ्यूजन ये है कि ये बेसिकली हर दफा कंप्लीट रन नहीं हो रहा, यानी मैं अगर उसको अगर इंफ्रादी तौर पर लिखूं तो पहली दफा चलेगा ये टोटल वन से, ये वन से चला है तो ये टू से होगा, तो टू से लेकर पहली दफा टू से लेकर एन माइनस टू तक चलेगा, ठीक है। फिर जब ये वापस जाएगा और ये आई इक्वल टू टू हो जाएगा तो ये इसकी रनिंग जो है वो थ्री से लेकर एन माइनस टू तक होगी, ये मैं सेकंड लूप की बात करूं, अब डिफरेंट हो रहा है। और अगर अगली दफा जाऊं तो ये जब थ्री से चलेगा तो ये फोर पे हो जाएगा, तो ये फोर माइनस एन माइनस टू पे चलेगा, और इस तरह ये चलता रहेगा। अब इशू ये है कि पहले वाला ऐसा नहीं था, पहले वाले में क्या था कि ये पहली दफा चलेगा तो सेकंड वाला जो है वन से एन तक, हमेशा वन से एन तक चल रहा था, वन से लेकर ये माइनस नहीं ये एरो का निशान है टू की बात करो, ठीक है ना, वन से लेकर एन तक ही चल रहा था हर दफा। तो अब हमें यहाँ पे समीशन करने में दुश्वारी आएगी, जब इस तरह की कंडीशन आ जाए ना, हम इसको सॉल्व तो कर सकते हैं लेकिन हम इतने अपने आप को कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं डालना चाहते कि भाई इतना मुश्किल हम इसको देखें, तो हम कहते हैं कि भाई ऐसी सूरत में हम इसके रनिंग टाइम की तरफ चले जाए। रनिंग टाइम का मतलब ये हुआ कि हम इसका सिर्फ बेसिक ऑपरेशन जो है वो डिस्कस कर लें, यानी मिसाल के तौर पे कि अगर मैं सारी चीजें डिस्कस ना करूं और सिर्फ इसके बेसिक ऑपरेशन की तरफ जाऊं, इसकी वजह ये है कि इसको हमें टोटल रनिंग टाइम कर सकते हैं लेकिन एनालाइज करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, ऐसा नहीं कि उसके हम टोटल रनिंग टाइम कैलकुलेट ही ना कर सकें, बिल्कुल कर लेंगे लेकिन इसमें हमें थोड़ी सी दुश्वारी हो रही है, तो लिहाजा हम इसको क्योंकि हमारा मकसद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है तो हम इसको बेसिकली रनिंग टाइम, ये नहीं मिटने वाला, खैर चलो
तो हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है ये कितनी दफा चल रही है। अब देखो जरा सर, डिफरेंट करूंगा मैं। वेरी गुड, 2n² + 2n, ठीक है। लेकिन ये इस तरह नहीं होगा, ये क्योंकि इसके अंदर सेकंड लूप जो है ना वो डिफरेंट है और डिपेंडेंट है पहले लूप के, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकेंगे। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो ये कि हम ये देखेंगे कि अगर हम सिर्फ रनिंग टाइम की तरफ जाते हैं, सिर्फ रनिंग टाइम, हम ये नहीं कह रहे कि टोटल रनिंग टाइम निकालें, यानी इसकी बात नहीं करना चाहते अब, क्योंकि ये हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है और हम चाहते हैं कि हम उस कॉम्प्लेक्सिटी से निकल जाए और इस वाले चीज को ना डिस्कस करें। तो रनिंग टाइम की तरफ अगर जाए तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक लाइन को एनालाइज करना है कि ये कितनी दफा चलेगा। अब देखना, पहले तो ये हो रहा था कि ये वाला फॉर भी पहले ये हो रहा था कि ये वाला फॉर भी जो है वो 1 से लेकर n तक चल रहा था, तो हम बआसानी कह सकते थे कि ये जो है वो n² टाइम्स चलेगा, क्योंकि ये भी n टाइम्स चल रहा था, ये भी n टाइम्स चल रहा था, तो ये n² टाइम हो गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इस वाले के बेसिस पे ये वेरिएट कर रहा है। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो, तो फिर हमें इसमें, अपने डिस्क्रीट मैथ में पढ़ा होगा, तो हम इसमें बेसिकली समीशन साइन को जो है इंट्रोड्यूस करते हैं, और वो कुछ इस तरह से कि अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारे पास रनिंग टाइम, जो कि रनिंग टाइम की बेसिस पे इंस्ट्रक्शन कितनी है, एक है। जो मेन इंस्ट्रक्शन है, बेसिक ऑपरेशन है, जिसको लास्ट क्लास में हमने कहा था मेन ऑपरेशन है, तो ये बेसिक ऑपरेशन जो है हमारे पास है, ठीक है, या बेसिक इंस्ट्रक्शन है, जो भी कह लो, वो एक ही है। इसकी तादाद जो है वो एक है, ठीक है। दो होती तो हम दो लिख लेते, यानी अगर इसके अंदर दो दो दफा लिखा हुआ होता, तो कोई और चीज भी लिखी होती तो हम उसको कहते 2 है। लेकिन इस वक्त इसकी बेसिक इंस्ट्रक्शन जो है एक है। जब बेसिक इंस्ट्रक्शन एक हो या दो हो, जितनी भी हो, तो हम इसको, और लूप एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो, आसानी से एनालाइज ना हो रहे, तो फिर हम उसको बेसिकली समीशन साइन में ले जाते हैं, और उसको कुछ इस तरह लिखते हैं कि दिस इज इक्वल टू समीशन, पहला लूप किसके लिए चल रहा है, आई के लिए चल रहा है, तो लिखते हैं आई इज इक्वल टू, बिल्कुल समीशन के अंदर लूप को डिफाइन करते हैं, आई इज इक्वल टू 1 to n, पहला लूप तो 1 से n तक चल रहा है, ये इसका लोअर बाउंड कहलाता है, ये अपर बाउंड, ठीक है, ये सीखना लाजमी है। और फिर पहले लूप के अंदर दूसरा लूप है, तो दूसरा लूप का मतलब हो गया कि दूसरा हमारे पास समीशन साइन। अब दूसरा समीशन साइन जो है वो जे का है, तो हम कहेंगे जे चल रहा है, और जे कहाँ से कहाँ तक चल रहा है भाई आपके, जे चल रहा है यहाँ से i+1 से, यानी अब हम जो जगह से स्टार्ट कर रहे हो, तो ये है i+1 से, और ये जा कहाँ तक रहा है, n-2 तक। अब दो लूप थे, दोनों हमने लिख दिए, एक पहला लूप दूसरा लूप, और इन दोनों के अंडर सुपरविजन कितने बेसिकली बेसिक ऑपरेशन है, आप कहेंगे इन दोनों के अंडर सुपरविजन में एक बेसिक ऑपरेशन है, आपने कहा एक बेसिक। तो ये जो सेटिंग हमने यहाँ पे की है, ये वाली, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विथ समीशन साइन निकालना कहते हैं इसको, जब हम कहीं पे अपने आप को फील करें। हालांकि दोनों मेथड से हम काम कर सकते हैं, लेकिन ये जो है वो एक प्योर मेथड, जैसा आपको याद होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम करते थे तो उसके 3 मेथड थे, एक कॉम्पलीटिंग स्क्वायर मेथड था, एक मिडिल टर्म ब्रेक मेथड था, और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था। जो मिडिल टर्म ब्रेक है और जो कॉम्पलीटिंग स्क्वायर है, इसमें हमें कुछ सोचना पड़ता था कि भाई ये क्या करें, कि मिडिल टर्म क्या होगी, या फिर कॉम्पलीटिंग स्क्वायर में लास्ट टर्म क्या होगी। लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हमें कुछ नहीं सोचना पड़ता, ये ABC है, फॉर्मूले में रखो आंसर आ जाएगा, तो हमें आसान लगता है। तो इसी तरह से यहाँ पे हम इसमें हमें सिर्फ ये देखना है कि बेसिक ऑपरेशन क्या है, और अब हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि समीशन साइन के बेसिस पे सॉल्व करता है, अगर फॉर लूप लगा हुआ, ये समीशन साइन फॉर लूप को रिप्लेस करता है। अब अगर हमें समीशन साइन सॉल्व करना आता है, जो आपने डिस्क्रीट मैथ में पढ़ा था, ठीक है, तो आप कहेंगे डिस्क्रीट मैथ में आपने, डिस्क्रीट मैथ में आपने डिस्कस किया था, तो ये उसी तरह से सॉल्व होगा। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो हमें पता होने चाहिए कि भाई किस तरह से हम समीशन साइन को डिस्कस करते हैं, किस तरह से समीशन साइन को देखते हैं, ताकि हम इन फॉर्मूलाज को जो है डिस्कस कर सकें। तो इसके जब हम शुरू करेंगे, तो 3 बेसिक फॉर्मूला हमें समीशन साइन के पता होने चाहिए, ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। यानी मिसाल के तौर पे अगर हम देखें, तो पहला समीशन साइन का फॉर्मूला ये है कि अगर आपके पास एक समीशन हो, ये मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, पहला फॉर्मूला, ताकि आपको फॉर्मूला समझ आए कि बात क्या हो रही,
तो पहला फॉर्मूला ये है कि अगर आपके पास समीशन साइन हो और आपका समीशन साइन आई जे कुछ भी हो और वो शुरू हो रहा हो किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर से, यानी 1, 2, 3 कहीं से भी, और ये एन तक जा रहा हो, ठीक है, एन कुछ भी हो सकता है, और इसके अंदर एक बेसिक ऑपरेशन या एक ऑपरेशन एग्जिस्ट करता हो, ऑपरेशन की तादाद एक हो, मैं जी याद है किसी को क्या आंसर आएगा इसका? तो कहता है इसका फॉर्मूले का जो एक्सपेंशन है वो ये आता है, एक्सपेंशन को इसको जब खोलेंगे तो ये आएगा कि अब इसको कहते हैं अपर बाउंड और इसको कहते हैं लोअर बाउंड, फॉर्म भी ऐसे होता है, ये अपर बाउंड कहलाता है, ये लोअर बाउंड, सॉरी ये लोअर बाउंड कहलाता है, ये अपर बाउंड कहलाता है। तो इस बेसिस पे हमारा फॉर्मूला जो बनता है वो ये बनता है कि n माइनस पी, यानी इसका जो आंसर होगा वो n माइनस पी प्लस 1 होगा। यानी मिसाल के तौर पे अगर लिखा हुआ हो कि समीशन साइन i इज इक्वल टू, अब ये कहीं से भी शुरू हो रहा है, 3 से शुरू हो रहा है मिसाल के तौर पर और जा रहा है 12 तक, और इसके अंदर 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप ये गिनना चाहते हैं कि ये 1 कितनी दफा है, समीशन का मतलब एडिशन होता है, और 3 से शुरू करके 12 तक जाए तो कितनी दफा 1 है, तो आप कहेंगे इसका मतलब है इसका फॉर्मूला होगा 12 माइनस 3 प्लस 1। 12 माइनस 3 का मतलब 9, और 9 में 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 10, इसका मतलब है इसमें 10 दफा जो है वो 1 एडिशन होगा, यानी 10 आंसर आएगा। तो आप काउंट भी कर लो उंगलियों पे 3, 4, और अगर मिसाल के तौर पे इसी को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें और यूं करके देखें कि समीशन साइन है और आई जो है वो मिसाल के तौर पे 5 से शुरू हो रहा है और 16 तक जा रहा है, ये मेरी मर्जी, ये तो अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ, और यहाँ पे 3 बेसिक ऑपरेशन है या 3 लिखा हुआ है, तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाने से पहले, अब इस पर डायरेक्ट नहीं लिख देंगे इस तरह से, यहाँ पर फॉर्मूला लगाने से पहले 3 को कॉमन बाहर निकालेंगे और अंदर 1 बनाएंगे, फॉर्मूला 1 के ऊपर लगता है, देखो फॉर्मूला कह रहा है कि अंदर 1 होगा तो लगेगा, 3 होगा तो नहीं, और इसमें लिखेंगे आई इज इक्वल टू, ठीक है, 5 से लेकर 16 तक, अब जब 3 को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे कि 3 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि अब अंदर 1 आ गया तो फॉर्मूला लगा सकते हैं 16, ठीक है, 16 माइनस 5 और प्लस 1, ठीक, तो क्या आंसर आ जाएगा, क्या होगी इसका, तो 16 में से 5 को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा तो आप 11 ओवर ऐड करो 12, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36। इसका मतलब है कि जब तुम इसको गिनने जाओगे, ये वाले सवाल को गिनने जाओगे, तो इसका आंसर टोटल आएगा 36। तो फॉर्मूला क्या बना, जो मेन फॉर्मूला वो ये है कि अगर आपके पास कोई समीशन साइन हो और समीशन साइन के अंदर जो है 1 आ रहा हो और आपके पास एक स्पेसिफिक लोअर बाउंड से अपर बाउंड तक जा रहे हो, तो इसका फॉर्मूला है अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड और प्लस 1, ये बता देता है कि कितनी दफा इसने समीशन करना है इसको, यानी ये स्ट्रक्चर, यानी ये वाली चीज कितनी दफा ऐड होगी, तो ये बेसिकली इस फॉर्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं। और अगर इसी का दूसरा फॉर्मूला देखें हम, ये तो पहला फॉर्मूला था, सेकंड फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि हमें आसानी हो अभी जो सवाल हम सॉल्व करने जा रहे हैं। दूसरा फॉर्मूला है कि अगर समीशन लिखा हुआ हो, ठीक है, और अगर i जो है 1 से शुरू होता हो, या अब देखो पहले p लिखा था मैं, अब लिख रहा हूं मैं 1 से, या कॉमन लगा रहा हूं, ये कॉमन, 1 या 0 से शुरू होके n तक जाता हो, दोनों में से किसी से भी शुरू, अब p का मतलब ये था कि कहीं से भी शुरू हो, लेकिन इस फॉर्मूले में शुरू होना, देखो फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस होती है, इस फॉर्मूले में फॉर्मूले का शुरू होना जरूरी है कि फॉर्मूला जो है वो 1 से या 0 से शुरू, वरना ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, इसमें ऐसा नहीं कहा गया था, इसमें कहा था पी कहीं से भी शुरू हो जाए, लेकिन और अगर अंदर 1 की जगह एन हो, पहले सॉरी एन नहीं आई हो, ठीक है, यहाँ पे क्या था 1 था, यहाँ पे क्या आई, आई का मतलब है जिससे लूप चल रहा है वही चीज अंदर हो, तो अगर ये 1 से शुरू हो रहा है तो तुम्हें अंदाजा हो रहा होगा कि जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, मैं एक शक्ल दिखा दूंगा कि आपको डिस्क्रीट मेथड आ जाए, कि पहले आई की वैल्यू 1 होगी,
नहीं, फॉर्मूला चेंज है, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। इसको बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मूले सॉल्व करेंगे तो उसका क्या आंसर आएगा। अब देखो ये क्या है कि अंदर वन नहीं है बल्कि एक ऐसी चीज है जिसपे वाई जो है वो जिससे लूप चल रहा है, तो ये बेसिकली कोई कांस्टेंट नहीं है बल्कि वो चीज है जिसपे लूप डिपेंडेंट है। अगर मैं इसको खोलूं तो क्या आएगा कि पहले आई की वैल्यू वन होगी और आई को जब वन देंगे, ये आई की वैल्यू वन हुई और ये आई की वैल्यू जब वन को देंगे तो यहाँ वन आ जाएगा। यहाँ चेक होगा कि एन तक पहुंच गया, वो कहेगा नहीं पहुंचे, दोबारा नीचे आएंगे, आई की वैल्यू टू होगी, टू होने से पहले ये समीशन का निशान आएगा प्लस टू, ठीक है ना, फिर आई की वैल्यू यानी टू हुई तो समीशन का निशान आया और फिर ऊपर गया, ऊपर जाके चेक किया एन तक हो गया, उसने कहा नहीं एन तक नहीं हुआ है, और फिर समीशन थ्री एंड सो ऑन, इस तरह समीशन चलता रहेगा। लेकिन पिछले वाले में क्या हो रहा था, पिछले वाले में, इस वाले में क्या हो रहा था, इस वाले को अगर देखें तो इसमें हो रहा था कि पहले ये कहीं से भी शुरू हो रहा, अगर पी वन है तो कहेगा वन से शुरू हो रहा था लेकिन ये वैल्यू उसको असाइन नहीं हो रही थी बल्कि यहाँ पे खुद वन था, तो कह रहा था वन लिखो प्लस, फिर जब आई की वैल्यू टू हो रही थी तब भी वन लिखो, फिर आई की वैल्यू थ्री हो रही तब भी वन लिखो, इस तरह का ये बेसिकली सीरीज बन रहा था। और यहाँ पे सीरीज जो बन रही है वन टू थ्री इस तरह बन रही है, दोनों में ये फर्क, इसलिए फॉर्मूला भी चेंज होगा। तो जब अंदर अंदर आई हो और आई का लूप चल रहा हो, आई के अलावा कुछ और होगा तो फिर हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, मैं भी समझाऊंगा उसको। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि जो आई है और आई का लूप चल रहा हो तो हम अपर बाउंड को चेक करते हैं कि अपर बाउंड कहाँ तक जा रहा है, क्योंकि इसने एन तक जाना है, तो हम अपर बाउंड को चेक करते हैं और लिखते क्या है, एन एन प्लस वन और डिवाइड बाई टू, ये फॉर्मूला होता है। मिसाल के तौर पे ईजी, ये तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, भूल रहे हो अगर याद नहीं आ रहा, तो अगर डिस्क्रीट मैथ पढ़ी है तो आई इज इक्वल टू, मिसाल के तौर पे किसी से भी शुरू करो, वन से लेकर मैं कहता हूँ 15 तक जा रहा हूं मैं, और अंदर जो है वो वन नहीं है बल्कि आई है, ठीक। तो इसका फॉर्मूला ये कहता है कि इसका आंसर ये होगा, यानी जब इसको एक्सपेंड करके आंसर निकालूंगा तो मैं सारा मुझे इस तरह खोल के सॉल्व नहीं करना पड़ेगा सीक्वेंस एंड सीरीज के फॉर्मूले से, बल्कि डायरेक्ट आंसर मुझे मिल गया है, तो मैं कहूंगा इसका आंसर होगा 15, यानी अपर बाउंड लिखा हुआ ना 15, 15 प्लस वन, सॉरी 15 प्लस वन, ठीक है, डिवाइड बाई टू। तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 15 इंटू 16 डिवाइड बाई टू, और फिर हम इसको देखें तो आ जाएगा 15 बाई 8। अभी इनको मल्टीप्लाई करो जो आंसर आ जाएगा 15 बाई 8 को मल्टीप्लाई करने पे, तो ये 40 का 1 और 9, ठीक है, सॉरी 40 का 1 4 12 120। ये इसका मतलब है कि जब मैं इस वाले सवाल को सॉल्व करूंगा और इसके अंदर अगर आई है तो आंसर जो है वो 120 आएगा इसका, यानी इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो छुपे हुए हैं वो 120 है, जो कि बेसिकली हमने फॉर्मूले से सॉल्व किया, ठीक है। तो दो फॉर्मूले हो गए हमारे पास मेजर, एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला जो ये वन, ये वन का मतलब है ये फॉर्मूला नंबर है, ये वन जो मैंने लिखा है फॉर्मूला नंबर है, तो ये फॉर्मूला नंबर वन के बजाय हो जाएगा टू, क्योंकि वन फॉर्मूला नंबर यहाँ लिख चुका हूँ मैं। दो फॉर्मूले हो गए अब, क्योंकि आगे इस्तेमाल करना है। जी बिल्कुल सही, 120, गुड शेवर। अब हमें अगले वाले सवाल की तरफ जाना है, अगला तीसरा फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने एक्चुअल टास्क की तरफ ताकि हमें ये चीज क्लियर हो जाए। अब देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, इनफरादी तौर पर करते थे, अब समीशन सर तरफ आ गए कि हम एल्गोरिथम को इस तरह एनालाइज करेंगे, ठीक है ना। अच्छा भाई ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब तीसरा फॉर्मूला लेके फिर हम अपने फॉर्मूला उसकी तरफ जाते हैं, क्वेश्चन की तरफ। तीसरा फॉर्मूला ये है कि अगर आपके पास थर्ड फॉर्मूला कि अगर समीशन के अंदर
ठीक है, ये सारे फॉर्मूले बेसिकली अप्लाई किए गए थे. अगर समीशन के अंदर आई से हम शुरू कर रहे हैं एक लूप, और वो कहीं से भी शुरू होता है, चाहे वो पी से शुरू हो, मिसाल के तौर पर वन से शुरू होता है और वो एन तक जाता है, ठीक है. और यहाँ पे लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे ए लिखा हुआ, तो ए का मतलब ये है कि ये ए कांस्टेंट है, ठीक है. कांस्टेंट किसे कहते हैं, कि जिससे लूप चल रहा है उसके अलावा कुछ भी लूप के अंदर हो वो कांस्टेंट कहलाता है. लूप जिससे चल रहा है वही चीज अंदर होगी तो वो वेरिएबल कहलाएगी. तो अभी ए से, अगर आई से लूप चल रहा है और ए अंदर है, तो ये ए एज अ कांस्टेंट डील होगा. तो ये आ जाएगा आपके पास ए बाहर, तो क्या हो जाता है, आपके पास आ जाएगा कि ए बाहर, दो मिनट में बने, और जो तरीकेकार है कांस्टेंट को हमेशा समीशन से बाहर निकाल देते हैं, और समीशन साइन में आ जाएगा आई इज इक्वल टू वन से लेकर एन तक, और जब कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं तो अंदर बचेगा वन, ठीक है. अब इसकी सूरत हाल जो है वो ऐसी ही जैसे फॉर्मूला नंबर वन था, तो इसको फॉर्मूला नंबर वन से करेंगे. ये ए अपनी जगह पे एज इट इज आएगा और फॉर्मूला नंबर वन से इसको सॉल्व कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस वन, ठीक है. और फॉर्मूला फाइनली आंसर आ जाएगा ए इंटू एन, क्योंकि वन से वन कैंसिल हो जाएगा अगर ये वन से शुरू हो रहा है. तो क्या पता चला इसमें, कि अगर कोई कांस्टेंट, सबसे पहले तो ये पता चला कांस्टेंट किसे कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं कि जो लूप चल रहा है उसके अलावा कुछ भी अगर समीशन के अंदर हो वो कांस्टेंट होता. अगर ये ए की जगह फाइव होता तब भी वो कांस्टेंट होता, उसको बाहर निकाला था आपको याद होगा, तो उसको हम हमेशा समीशन से बाहर निकालते हैं, वन बनाते हैं और फिर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. मिसाल के तौर पर अगर कोई इस तरह से लिखा होता फोर्थ में, ये सब जो मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला भी बनता जा रहा है और आपका सवाल भी सॉल्व होता जा रहा है. ये बंद होने जा रहा है हमारा जूम ना, तो थोड़ी देर में इसको दोबारा लॉग इन करते हैं. वन से लेकर एन तक, अब देखो क्या लिख रहा हूं मैं, ए आई इज इक्वल, अब आप बताइए इसको कैसे करेंगे. आप कहेंगे इसमें ए आई जो है, आई इसका वेरिएबल है, ए कांस्टेंट है, तो हम ए को बाहर निकाल देंगे. अगर ए को बाहर निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू वन से लेकर एन तक, अंदर क्या बचेगा, अब अंदर हमारे पास आई बच जाएगा, क्योंकि हमने ए आई में से ए को भाग दिया, बिल्कुल कॉमन जिस तरह करते आए. और फाइनली इसका आंसर क्या मिलेगा, फाइनली इसका आंसर मिलेगा कि जब इसको सॉल्व करेंगे ए अपनी जगह पे एज इट इज, और इस पे वो फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने फॉर्मूला नंबर टू पे पढ़ा था, कि अगर वेरिएबल हो और वेरिएबल ही अंदर हो तो अपर लिमिट को देखते हैं. अपर लिमिट क्या होता है, अपर लिमिट फॉर्मूला होता है अपर लिमिट, अपर